तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? आज हम आपको बताएंगे कि एलसीएम या फिर लासा या जिसे लघुतम समापवर्त या फिर लीस्ट कॉमन मल्टीपल कहते हैं वो कैसे ज्ञात किया जाता है, और एचसीएफ या फिर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या फिर महत्तम समापवर्तक किसे कहते हैं, ये पहले तो हम इन्हें जानेंगे और इनसे जुड़ी हुई जो छोटी छोटी बातें होती हैं जिनको शायद ही कोई बताता है लेकिन वो जानना जरूरी होता है, नहीं तो पता लगा आप एलसीएम निकालना भी जान जाते हो, एचसीएफ निकालना भी जान जाते हो, लेकिन अगर कोई पूछ लेता है कि भाई ये अभाज्य गुणनखंड होते क्या है, सह अभाज्य संख्याएं क्या होती है, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, तब आप फिर बता नहीं पाते हो। तो आज आपको सबसे शुरुआत से बस समझना है, देखते रहना, आपको सारी चीजें समझ में आएंगी, फिर उसके बाद हम लोग चलेंगे एलसीएम और एचसीएफ पर। तो यहां पर सबसे पहले देखिए, पहले नंबर पे लिखा हुआ है मल्टीपल, हिंदी में इसे कहते हैं गुणज। क्या कहते हैं? गुणज। गुणज में दो शब्द हैं, एक गुणा जैसे है जो हम लोग गुणा करते हैं, और एक जा। जा का मतलब होता है उत्पन्न होना। क्या होना? तो ऐसी संख्याएं जो गुणा करने से उत्पन्न हो उसे गुणज कहते हैं या फिर मल्टीपल कहते हैं इंग्लिश में। तो गुणज कैसे प्राप्त होते हैं, मान लीजिए हमको दो का गुणज लिखना है तो कुछ नहीं करना है, बस क्या करना है, दो में गुणा करते चले जाना है, एक से फिर दो से फिर तीन से फिर चार से फिर पांच से दस से ग्यारह बारह पंद्रह बीस पचास, जितने से गुणा करते चले जाओगे आप क्रम से उतने ही उसके गुणज मिलते चले जाएंगे। क्या कभी संख्याएं कब खत्म होती है? इसका मतलब ये हो गया कि किसी भी संख्या का जो मल्टीपल होता है या फिर गुणज होता है वो कभी खत्म नहीं होता है। अगर हमको दो का गुणज लिखना है तो दो एक कम दो, दो दूना चार, दो तिया छह, दो चौको आठ, दो पंचे दस, दो छह बारह से होता चलता चला जाएगा। तीन का गुणज लिखना हो तो पहले तीन से एक में गुणा करोगे, तीन एक कम तीन, फिर तीन दूनी छह, फिर तीन तिया नौ, तीन चौक बारह, ऐसे होता चला जाएगा। पांच का लिखना हो, पांच का पांच, पांच दूनी दस, पांच तिया पंद्रह, पांच चौक बीस, पांच चौक पच्चीस, ऐसे होता, इन्हीं को कहते हैं गुणज। क्या कहते हैं? या फिर मल्टीपल कहते हैं। अब देखो दूसरे नंबर पे आता है फैक्टर या डिवाइजर, जिसे हिंदी में फैक्टर को कहा जाता है गुणनखंड और डिवाइजर को कहते हैं भाजक। गुणनखंड या फिर भाजक का मतलब क्या होता है पहले उसे समझेंगे हम। गुणनखंड शब्द को अगर ध्यान से देखोगे तो इसमें लिखा हुआ गुणन और खंड, मतलब गुणे के रूप में उसे खंड खंड में लिख देना, टुकड़े टुकड़े में लिख देना गुणा करके, उसे ही कहते हैं गुणन खंड। जैसे मान लीजिए अगर हमको चार के गुणन खंड लिखने हो, किसके चार, तो आप इसे क्या लिख सकते हो, पहले तो लिख सकते हो एक गुणे चार, लिख सकते हो ना भाई, दो खंड हुए, हम इसके और खंड कर सकते हैं, एक गुणे चार को लिख सकते हो दो गुणे दो, दो दूना गुणन खंड जो भी होंगे अगर उन सबका गुणा कर लोगे तो फिर से वही मूल संख्या मिल जाएगी। यहां पे देखो चार एकम मिल गया ना, यहां देखो दो दूना चार, चार एकम मिल गया ना। जैसे हमको लिखना हो छह का गुणन खंड, कितने का, अगर छह का गुणन खंड लिखना है तो क्या लिख सकते हो, एक तो लिख सकते हो एक गुणे छह, लिख सकते हो ना, दूसरा ये भी लिख सकते हो एक गुणे छह को लिख दो गुणे तीन, यहां पर दो खंड थे, यहां कितने खंड हो गए, अब और खंड करना इसके संभव नहीं है, ठीक है। अब देखो अगर इनका गुणा करो छह एकम छह, मूल संख्या मिल गई, तीन दूनी छह और छह एकम फिर मूल संख्या मिल गई ना, तो ये होते हैं गुणन खंड। क्या होते हैं? अब यहां पर जो भाजक शब्द है इसका मतलब क्या है, भाजक का मतलब यह हो गया बेटा कि जो भी गुणन खंड होंगे, जैसे छह का गुणन खंड एक दो और तीन है, तो ये जो तीनों अंक हैं
ये इसके भाजक भी है, इसको भाग दे देंगे और एक कट भी जाएगा, ये एकदम पक्की बात है। आप एक से भाग दोगे तो कट तो जाएगा ही, दो से भाग दोगे दो तिया, तीन से भाग दोगे तीन दूनी कट जाता है ना, इसीलिए इनको गुणनखंड या फिर भाजक दो नाम दिए गए हैं। क्लियर बात। अब जब फैक्टर की बात हो रही है तो लगे हाथ हम ये भी समझ लेते हैं कि प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं, क्योंकि जब भी आप एलसीएम निकालोगे, जब भी आप एचसीएफ निकालोगे तो वहां पर प्राइम फैक्टर की बात होगी। किसकी? और प्राइम का मतलब होता है अभाज्य। क्या होता है? अभाज्य। और अभाज्य का मतलब होता है कि ऐसी संख्याएं जो किसी और से विभाजित ना हो। ये तो आधी है, ये परिभाषा अभी आधी है। अभाज्य संख्या की पूरी परिभाषा ये नहीं होती है कि जो किसी और से विभाजित ना हो, उसमें आगे एक वाक्य और है कि उसके कम से कम दो गुणनखंड होने चाहिए। कितने? दो। मतलब कोई भी ऐसी संख्या अभाज्य संख्या तभी कही जाएगी जब वह किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, और दूसरी बात उसमें यह भी है कि उसके कम से कम दो अलग अलग गुणनखंड होने चाहिए। नहीं तो एक संख्या है, देखो एक, एक जो है वो एक से ही कटती है और किसी से नहीं कटती, लेकिन एक को अभाज्य संख्या हम नहीं कहते, नहीं कहते ना। क्यों नहीं कहते? क्योंकि अभाज्य संख्या की जो परिभाषा है उसमें जो दूसरी लाइन है वो ये कहती है कि उसके कम से कम दो अलग अलग गुणनखंड भी बनने चाहिए, लेकिन जो संख्या हमारी एक होती है इसके तुम गुणनखंड बनाओगे तो एक है, एक के मिलते चले जाएंगे, चाहे जितने गुणनखंड बनाओगे लेकिन अलग अलग गुणनखंड नहीं होंगे, इसीलिए इसे अभाज्य नहीं कहते। दो की बात आती है, दो केवल दो से ही कटता है और किसी से नहीं कटता। भाई एक से तो सभी कट जाती हैं, तो एक की बात नहीं करेंगे हम, एक से तो सारी संख्याएं कट जाती हैं, ठीक है। तो दो जो है किसी अन्य संख्या से नहीं कटता है, ये एक से कटता है या अपने आप से कटता है, लेकिन इसके पास दो अलग अलग गुणनखंड भी बन जाते हैं। भाई दो को तुम लिख सकते हो दो गुणे एक, दो गुणनखंड बने ना इसके, और दोनों अलग अलग है ना, इसीलिए दो को अभाज्य संख्या कहा गया। पहली वाली कौन सी? सबसे छोटी अभाज्य संख्या किसे कहा गया? दो को। एक को नहीं लिया गया क्योंकि ये आधी कंडीशन तो फुलफिल करती है लेकिन आधी कंडीशन को नहीं पूरा करती है। भाई एक के भी तो देखोगे एक सिर्फ एक से ही कटता है, अपने आप से ही कटता है, किसी और से नहीं कटता, लेकिन इसके दो अलग अलग गुणनखंड नहीं बनते। एक के दो अलग अलग गुणनखंड नहीं बनते, इसीलिए इसे अभाज्य संख्या नहीं कहते, प्राइम नंबर नहीं कहते। किसे कहते हैं? दो को कहते हैं, तीन को कहते हैं, पांच को कहते हैं, सात को कहते हैं, है ना, लेकिन एक को हम अभाज्य संख्या नहीं कहते। अब बात करते हैं प्राइम फैक्टर्स। यहां पर गुणनखंड भी आ गए, मतलब कि ऐसे गुणनखंड जो अभाज्य हो। क्या हो? किसी भी संख्या को आप उठा लो, उसका गुणनखंड करो और उस हद तक करो कि और उसका खंड करना संभव ना हो, तो लास्ट में जो संख्याएं मिलती वो टोटल अभाज्य ही मिलती है। नहीं भरोसा है? कोई भी संख्या आप उठा लीजिए, जैसे आपने मान लीजिए 14 को ही उठा लिया, किसको? ये अभाज्य संख्या तो है नहीं, है ना, इसका गुणनखंड करो तो आप क्या करोगे? दो सते और सात एकम, अब क्या मिला है? 14 के गुणनखंड मिले हैं, दो एक भी है भाई, एक गुड़े दो गुड़े सात। क्या ये तीनों गुणनखंड आपको अभाज्य नहीं दिख रहे हैं? भाई एक को छोड़ देना, एक को तो हमें लेना ही नहीं है, एक तो सब में रहता ही है। दो और सात ये अभाज्य नहीं है, है ना, है ना अभाज्य, तो इन्हीं को कहा जाता है अभाज्य गुणनखंड। जैसे मान लीजिए आप ले लेते कितना, 26 ले लो, कितना आप क्या करोगे इसका? पहले दो से काटोगे, दो एक कम दो, दो तिया छह, फिर 13 कम, इसके गुणनखंड कौन से मिल रहे हैं? एक गुड़े दो गुड़े 13। क्या दो और 13 अभाज्य नहीं है? है ना, मतलब
उसका जब गुणनखंड करो तो तुम्हारा गुणनखंड तब सही माना जाएगा जब तुमको सारे गुणनखंड क्या मिल जाए, अभाज्य संख्याएं मिल जाए। कई बार बच्चे क्या करते हैं, जैसे 16 से काट, 16 का गुणनखंड करना है अभाज्य गुणनखंड, तो कहते हैं लाओ 4 से काट देते हैं, 4 चौक 16, 4 एकम, ये अभाज्य गुणनखंड नहीं है। आपने 16 के गुणनखंड क्या किए हैं, 1 × 4 × 4, अभी ये सही गुणनखंड नहीं है। ये अभाज्य गुणनखंड तब कहलाएगा जब इसमें भाज्य संख्याएं ना हो, कटने वाली दूसरे संख्याएं ना हो। अभी इसको हम क्या करते हैं, ऐसे करते हैं, 16 का गुणनखंड करते भाई, पहले अभाज्य संख्या से ही काटा जाता है इसमें, ये भी कंडीशन है अभाज्य संख्या से। 2 × 8 फिर 2 × 4 फिर 2 × 2 फिर 2 × 1 टोटल अभाज्य संख्याओं से ही तो काटा गया है। यहां पे किससे काट दिया गया था, क्या 4 अभाज्य थी, इसलिए ये वाला गुणनखंड हमारा अभाज्य गुणनखंड नहीं है, लेकिन ये वाला गुणनखंड हमारा अभाज्य गुणनखंड है। अब बात समझ में आई अभाज्य गुणनखंड। अब आ जाओ यहां पे देखो, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, मैंने बता ही दिया आपको कि ऐसी संख्याएं जो या तो 1 से कटती हैं या फिर खुद से कटती हैं, किसी दूसरी संख्या से नहीं कटती, और उनके कम से कम 2 अलग अलग गुणनखंड होने चाहिए। जैसे कि 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, फिर 11 हो गया, 9 नहीं है, 9 तो 3 से कट जाता है ना, फिर 13 हो गया, फिर 17 हो गया, 19 हो गया, ये सब संख्याएं जो है वो क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। कौन सी, और भी आगे तक ऐसे ही बढ़ती चली जाएंगी। अब देखो, प्राइम नंबर्स या फिर अभाज्य संख्या आपने खूब पढ़ी होगी, कभी इसको भी देखा है, को प्राइम नंबर्स, सह अभाज्य संख्याएं। तो आज जानो सह अभाज्य संख्या क्या होती है। सह अभाज्य संख्या का मतलब यह होता है, कोई सह का मतलब भी होगा 7, सह का मतलब 7, मतलब कोई 2 संख्याएं 7-7 हो और वो आपस में अभाज्य हो, आपस में मतलब एक दूसरे से वो कटने वाली ना हो। जैसे आप ले लो 13-14, 13 और 14, वैसे तो देखा जाए ये अभाज्य है ये अभाज्य नहीं है, लेकिन इन दोनों को साथ में ले लिया जाए तो ये दोनों सह अभाज्य हैं, क्योंकि ना तो 13-14 कटे ना 14 से। इन दोनों के बीच में अगर उभयनिष्ठ कोई चीज मिलेगी तो केवल एक मिलेगी भाई, एक इसमें भी कॉमन रहेगा और एक इसमें भी कॉमन रहेगा, एक के अलावा कोई दूसरा गुणनखंड ऐसा नहीं होगा जो इन दोनों में कॉमन रहे, ठीक है। अब देखो, को प्राइम नंबर किसे कहा गया भाई, कोई भी 2 संख्याएं हो जो आपस में अभाज्य हो। आपस में अभाज्य होने का मतलब उनके बीच में कोई भी ऐसा गुणनखंड ना पाया जाए जो दोनों में पाया जाए। जैसे 13 गुणनखंड करो, क्या करोगे, 13 × 1 मिलेगा, 14 क्या मिलेगा, 2 × 7 × 1 भाई, इसमें गुणनखंड करते तो क्या मिलता, 2 × 7 × 1 ये मिलता, 13 में करते तो क्या मिलता, 13 × 1, केवल एक ही है जो दोनों में है, बाकी कोई गुणनखंड इनका दोनों में नहीं रहेगा। तो 13-14 आपस में क्या है, सह अभाज्य है या को प्राइम है, क्या है। और संख्या ढूंढो, जैसे हम ले लेते हैं मान लीजिए 16-17 है ना, 5-6 ये क्या है, सह अभाज्य है, क्या है, सह अभाज्य। अब इसके बाद बात आती है कंपोजिट नंबर, कौन से नंबर, इसको समग्र संख्याएं कहते हैं, क्या कहते हैं, इसको भी पहली बार आप देख रहे होंगे, समग्र संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं। दरअसल प्राइम नंबर्स और को प्राइम नंबर्स, इसके अतिरिक्त एक नई तरह की संख्या तैयार होती है जिसे कंपोजिट नंबर कहते हैं। इसमें वे सभी संख्याएं, समग्र का मतलब हो गया समग्र माने सभी है ना, वे सभी संख्याएं आ जाती हैं जिनके 2 से ज्यादा गुणनखंड हो सकते, 2 से ज्यादा गुणनखंड हो सकते हैं। जैसे कि मान लो आप 4 ले रहे हो, क्या ले रहे हो, 4 के कितने गुणनखंड हो सकते हैं,
एक गुड़े दो गुड़े दो, तीन थी बहन ना, है ना, छे, छे के कितने होंगे, एक गुड़े दो गुड़े तीन, तो छह भी क्या है, समग्र है या कंपोजिट है, चार भी क्या है, समग्र है, पच्चीस कितने गुणनखंड होंगे इसके, पांच पचम पच्चीस और गुणे एक, तीन ठी हो जाएंगे, दो से ज्यादा गुणनखंड हो रहे हैं ना, अगर दो से ज्यादा गुणनखंड किसी भी संख्या के हो जा रहे हैं तो वो क्या संख्याएं होंगी, वो कंपोजिट संख्याएं होंगी या समग्र संख्याएं होंगी। बहुत सी संख्याएं हैं जिनके भाई अभाज्य संख्याओं को छोड़ दो, अभाज्य संख्याएं जो होती उनके केवल दो ही गुणनखंड होते हैं, है ना, अभाज्य संख्याओं के अलावा जितनी भी संख्याएं हैं एक की बात नहीं करेंगे, ठीक है, उसके अलावा जितनी भी संख्याएं सारी की सारी क्या होती है, समग्र संख्याएं या फिर कंपोजिट नंबर्स होते हैं। अब अगर इन सब चीजों को समझ गए हो तो आपको एलसीएम और एचसीएफ समझना बहुत सिंपल होगा। एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट, एल से होगा क्या, लीस्ट, लीस्ट का मतलब होता है कम से कम, लीस्ट का मतलब कम से, मतलब लघु माने भी छोटा होता है ना, लघुतम या लघुतम छोटे से छोटा, सीस का मतलब होता है कॉमन, क्या होता है, कॉमन का मतलब होता है उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ का मतलब जो सभी में हो, किसमें, सभी में हो, दो तीन संख्याएं ली जाए तो उन दोनों तीनों संख्याओं में सब में आए वो, ठीक है। और एम से होता है मल्टीपल, क्या होता है, मल्टीपल, मैंने ऊपर अभी बताया था ना कैसे प्राप्त किया जाता है, गुणा करके ना, तो ऐसे कॉमन मल्टीपल या ऐसे उभयनिष्ठ गुणज जो सबसे छोटा वाला हो उसे ही कहते हैं LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। जैसे अगर मैं कहूं कि दो और चार और छह, इनका LCM क्या होगा, इनका LCM क्या होगा, तो दो चार छह का जो LCM होगा या लासा होगा वो कैसे होगा, भाई हमको क्या करना है, मल्टीपल लिखना है, क्या करना है, और उन मल्टीपल में से देखो कौन से कॉमन है और कौन वाला सबसे छोटकवा वाला कॉमन। तो अगर हम दो का लिखते हैं मल्टीपल तो दो का क्या हो जाएगा, दो का हो जाएगा दो चार छ आठ दस बारह, ऐसे होता चला जाएगा, जरूरत पड़ेगी तो और ले लेंगे। चार का क्या हो जाएगा, चार का चार, चार दुनी आठ, चार तिहाई बारह, चार चौक सोलह, चार पंचे बीस, चार छंग चौबीस, चार से अट्ठाईस, ऐसे होता चला जाएगा। छ का लोगे तो क्या होगा, छ का छ, छ दूनी बारह, छह त्रिक अठारह, छह चौको चौबीस, छह पंचे तीस, छह छंग छत्तीस, ऐसे होता। अब इन तीनों में देखो कौन कॉमन है, हमने मल्टीपल लिख दिया है, अब कॉमन वाला ढूंढना है, वो भी लीस्ट सबसे छोटकवा कॉमन, जो सबसे छोटी संख्या जो तीनों के मल्टीपल में हो। जैसे देखो बारह तीनों में है ना, तीनों में, तो दो चार छह का जो एलसीएम होगा वो क्या आ जाएगा, एलसीएम क्या आया दो चार छह का, बारह। बारह के अलावा देखो और कोई संख्या थी जो सबसे छोटी जो तीनों में थी, भाई अगर चार इसमें था तो चार इसमें था लेकिन इसमें नहीं था, छह इसमें था लेकिन इसमें नहीं था। और सुनो, अब जैसे ये बारह मिला है इन सब में ना, आगे चौबीस भी मिलेगा, आगे फिर छत्तीस भी मिलेगा, आगे फिर अड़तालीस भी मिलेगा, पक्का ही मिलेगा। जैसे देखो अभी बारह मैंने बताया, फिर चौबीस मिलेगा ना, चौबीस इसमें है ना, इसमें भी है ना, इसको भी आगे बढ़ाओ, बारह फिर चौदह फिर सोलह फिर अठारह फिर बीस फिर बाईस और फिर आया ना चौबीस। मतलब कहने का ये है कि कॉमन तो और भी संख्याएं मिलेंगी जो तीनों में होंगी, उभयनिष्ठ तो और संख्याएं मिलेंगी, लेकिन जो सबसे छोटी वाली है उसी को हम एलसीएम कहेंगे, ठीक है। और एलसीएम पढ़ने की जरूरत क्यों है, एलसीएम कोई ऐसे मामूली संख्या नहीं आ गई कि हमको एलसीएम निकाल लिया, क्या मतलब है इसका एलसीएम निकालने का, एलसीएम आपको भिन्न हल करने में मदद करेगा, ठीक है। और कुछ ऐसे सवाल होते हैं कि बताओ वह छोटी से छोटी संख्या जो दो से चार से छह से तीनों से पूर्णतः विभाजित हो जाए, इस तरीके के सवाल पूछेंगे।
अब जैसे जो एलसीएम आया है ये कुछ खास है, 2, 4, 6 का एलसीएम है ना ये, इसका मतलब कि 2, 4, 6 जो है वो 2 भी 12 को काट देगा, 4 भी 12 को काट देगा और 6 भी 12 को काट देगा। अगर मैं ऐसे कहता, एक सवाल बनाता कि वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जो 2, 4, 6 से पूर्णतः विभाजित तो हो जाए, तो वो संख्या हमारी कौन सी होगी? एलसीएम ही होगी। ये 2 से भी कट जाएगी, 4 से भी कट जाएगी और 6 से भी कट जाएगी, है ना। ये एलसीएम की क्वालिटी होती है कि एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या होती है जिसका भी एलसीएम निकाला गया है उन सबसे वो पूरा पूरा कट जाएगी। 2, 4, 6 का एलसीएम 12 आया तो 12 जो है 2, 4, 6 से पूरा पूरा कट जाएगा। कोई और भी संख्याओं का जो एलसीएम निकालोगे तो एलसीएम जो भी संख्या आएगी वो उन सभी संख्याओं से पूरा पूरा कट जाएगी। और इसी पर जो है घुमा घुमा के सवाल बनाते रहते हैं। कैसे सवाल बनेंगे वो हम आगे जानेंगे, अभी हम और समझ लेते हैं एचसीएफ क्या चीज। एचसीएफ में एच का मतलब होता है हाईएस्ट, क्या होता है, और सी का मतलब वही कॉमन, और एफ का मतलब इसमें होता है फैक्टर, क्या होता है, हाईएस्ट का मतलब हो गया सबसे ज्यादा वाला, महत्तम, क्या चीज, महत्तम, और कॉमन का मतलब तो उभयनिष्ठ जो सभी में हो, है ना, और फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड। इतनी बात क्लियर है, मतलब ऐसे उभयनिष्ठ गुणनखंड जो सबसे बड़े वाले हो, जो सबसे बड़ा वाला गुणनखंड होगा, है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा वाला गुणनखंड जो कॉमन है, जैसे 2 संख्याओं का अगर हमको एचसीएफ निकालना है तो दोनों संख्याओं का गुणनखंड करें और ऐसा बड़ा से बड़ा गुणनखंड ढूंढे जो दोनों में रहे। 3 संख्याओं का गुणनखंड निकालना है तो तीनों का हम फैक्टर करें और फैक्टर करने के बाद वह बड़ा से बड़ा गुणनखंड देखें जो तीनों में हो, उसी को एचसीएफ कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम निकालते हैं 12 और 14 का, 112 लिख गया, 12 और 14 का मासा, क्या चीज, हमने क्या बताया, हमको फैक्टर चाहिए और कॉमन वाले फैक्टर चाहिए। हम क्या करें, 12 का भी फैक्टर कर लेते हैं और 14 का भी कर लेते हैं, तो 12 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 12 का फैक्टर करोगे अगर 2 6 12, 2 3 6 और 3 1 तो 12 के फैक्टर हमें क्या मिल रहे हैं भाई, 12 के मिल रहे हैं 2 × 2 × 3 × 1 को भी लिख देना, ठीक है। 14 का भी फैक्टर कर लो, 14 का क्या मिल जाएगा भाई, मिलेगा इसका 2 × 7 = 14, 7 × 1 इसका मिलेगा 2 × 7 × 1। अब देखो कैसे मिलती है बड़ी से बड़ी उभयनिष्ठ संख्या, एक तो 2 दोनों में था और एक एक है, और कोई संख्या है जो दोनों में है, 2 और 1 को गुणा कर लो, 2 × 1 वह बड़ा से बड़ा गुणनखंड 2 ही है जो दोनों में है, उसके अलावा कोई दूसरा नहीं है, तो एचसीएफ 12 और 14 का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। एचसीएफ निकालने की बहुत सी विधियां हैं, भाग विधि भी है, फैक्टर विधि भी है, डिफरेंस विधि भी है, सारी विधियां आपको बताऊंगा। पहले आप ये समझ लो कि आखिर एचसीएफ होता क्या है, एचसीएफ यूं समझ लो कि एचसीएफ जो है वो एलसीएम का बड़ा भाई है, एचसीएफ जो है वो एलसीएम का, एलसीएम जो आता है उसको ये सभी तीनों संख्याएं काट देती हैं, छोटा भाई है ना, तो ये तीनों संख्याएं इसको पीट देती हैं। लेकिन जो एचसीएफ होता है उसमें यह गुण पाया जाता है कि जो भी एचसीएफ होगा वो उन दोनों संख्याओं को काट देगा, 2 से आप इसको भी काट दोगे और इसको भी काट दोगे, समझ में आई बात। एलसीएम में क्या था, एलसीएम में जो एलसीएम था वो कट जाता था संख्याओं से, लेकिन एचसीएफ में क्या है, एचसीएफ में जो एचसीएफ है वो उन संख्याओं को काट देता है। एलसीएम में संख्याएं एलसीएम को काटती थी,
और HCF में HCF संख्याओं को काटता है, बदला चुकाता है। LCM छोटा भाई, HCF बड़ा भाई। LCM को संख्याओं ने काट दिया, बड़ा भाई आया HCF, उसने किसको काट दिया? संख्याओं को काट दिया। क्लियर बात? अब हम आपको बताते हैं कि LCM और HCF किन किन विधियों से ज्ञात किए जाते हैं और उनका सवाल में किस तरीके से वर्ड प्रॉब्लम बनाई जाती है। शब्द वाले सवाल, मतलब बहुत घुमा फिरा के देंगे, ऐसे नहीं कहेंगे आपसे कि आप 2, 4, 6 का अल्लाह सा निकाल लो।